भारत में जिस रेलवे सिस्टम को हम अपने देश की लाइफलाइन मानते हैं, उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में तैयार किया था। आजादी के बाद अगले 76 सालों में अगर हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिकल सुपर पावर बन रहा है, तो इसके पीछे देश के रेलवे सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय रेलवे सिस्टम दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है, जिसमें 22,000 ट्रेन्स, लगभग 70,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स के जरिए 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा कुछ पड़ोसी देशों को भी देश से जोड़ने का काम करती है। आज इसे लगभग 164 साल पहले शुरू हुआ यह सिस्टम अब साल दर साल बेहतर होता जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन से लेकर कवच सिस्टम और बाकी हर तरह से हमारे देश में रेलवे सिस्टम बदल रहा है, मगर ये कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है जो देखने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और इसी वजह से हम कभी कभार दूसरी तरफ देखना पसंद नहीं करते हैं। भारत में लगभग हर दूसरे साल नई ट्रेन इंट्रोड्यूस होती है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि भारत में 54,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स अंग्रेज देश में छोड़ करके गए थे, और इसके बाद अगले 76 सालों में हम सिर्फ 15,000 किलोमीटर ही ऐड कर पाए हैं। इससे भारत में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सुस्त हालात का अनुमान लगाया जा सकता है, और इससे देश में लोगों की प्रोडक्टिविटी, देश की इकोनॉमी, स्पीड और बाकी सभी बातों पर बहुत ही निगेटिव फर्क पड़ता है। भारत में हर दिन औसतन 17,000 ट्रेनें चलती हैं, जिसमें देश के 2 करोड़ लोग ट्रेवल करते हैं, जो छोटी मोटी आबादी वाले कई देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा है। और इतने बड़े सिस्टम को मैनेज करने के लिए इंडियन रेलवे में आज लगभग 12.5 लाख लोग काम करते हैं, और यह बात भारतीय रेलवे को दुनिया का 7वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बनाती है। मगर यहाँ भी एक गड़बड़ है, और वो ये है कि इंडियन रेलवे में 3,11,000 से भी ज्यादा पोस्ट खाली है, और इनमें से 1,00,000 ऐसे पोस्ट खाली हैं जिनका काम आपके और हमारे जैसे रेल यात्रियों की सेफ्टी को इंश्योर करना होता है। भारत में अब इसी साल राजस्थान में बुलेट ट्रेन शुरू करने का प्रयास भी जोर शोर से चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि साल के आखिर तक देश को अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी, जो 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। भारत में अभी तक की सबसे तेज ट्रेन होगी, लेकिन इससे पहले भी भारत में तेजस, वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी सुपर फास्ट ट्रेन रही है, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। लेकिन भारत में कोई भी ट्रेन औसतन 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज नहीं चलती है, और इस देश के रेलवे सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती है। 8 अगस्त साल 2023 को सीएजी ने इंडियन पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट दी थी, उसके हिसाब से फाइनेंशियल 2021-22 में इंडियन रेलवे की सभी पैसेंजर क्लास सर्विसेज में टोटल 68,269 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज हुआ था। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में रेलवे की इनकम जहां एक तरफ 6.3% से बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ एक्सपेंसेज 7.2% से बढ़ रही है। यानी कहानी को अगर सिंपली समझने की कोशिश करें, तो बात मालूम होती है कि इंडियन रेलवे को 100 रुपए कमाने के लिए 96 रुपए से लेकर 114 रुपए तक खर्च करने होते हैं। भारत में साल 1950 से लेकर अगले लगभग 65 सालों में गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक 1000% तक बढ़ गया है, जो लगातार बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है। लेकिन इसको ढोने के लिए भारत में रेलवे ट्रैक सिर्फ 30% ही बढ़े हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज से 40-50 साल पहले बेंगलोर से चेन्नई और कोयम्बतूर जाने में आज से कम समय लगता था। आज जिस वृंदावन एक्सप्रेस के जरिए चेन्नई पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा का समय लगता है, उसको आज से 50 साल पहले अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 5 घंटे का ही समय लगता था। भारत में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को एक्सप्रेस की कैटेगरी में रखा जाता है। 55-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को सुपर फास्ट की कैटेगरी में रखा जाता है, और अगर गलती से इससे ज्यादा की स्पीड चली गई, तो फिर वो प्रीमियम की कैटेगरी में आ जाती है। यह नंबर दुनिया के बाकी बड़े देशों के मुकाबले बहुत कम है, और इससे भी बुरी बात यह है कि भारत में ज्यादातर सुपर फास्ट ट्रेन अपनी औसत रफ्तार से भी कम गति से चलती है। चाइना में नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार भारत की सबसे तेज ट्रेन की रफ्तार से भी ज्यादा है। भारत में जहां एक तरफ कोई भी सुपर फास्ट ट्रेन 3 डिजिट भी मुश्किल से क्रॉस करती है, तो वहीं चाइना में लगभग सभी ट्रेनों की एवरेज स्पीड 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप पूछेंगे इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना में जो रेलवे ट्रैक हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, वो उनकी ट्रेन की स्पीड को सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ इंडियन रेलवे के पास ट्रैक्स को बेहतर बनाने और लंबाई बढ़ाने के लिए जरूरी पैसे नहीं है। दूसरा कारण ये भी है कि भारत में राजनेताओं की तरफ से भी सिर्फ उन्हीं कामों पर गौर किया जाता है जो लोगों को दिखाई देते हैं, जिन्हें मीडिया में दिन भर चला करके वोट इकट्ठा किया जा सकता है, और इसलिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। नई नई ट्रेन लाने का काम जोर शोर से चल रहा है, ट्रेनों की स्पीड को ब्रेकिंग न्यूज बना करके दिखाया जाता है, लेकिन ये सब कुछ जमीन पर नजर नहीं आता है, क्योंकि नई ट्रेन लाने से ट्रैक्स की हालात में सुधार नहीं होता है। और ये सब कुछ जानते हुए भी भारत में कोई भी सरकार इस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ कैमरे पर दिखाई नहीं देता है, और जो काम बढ़ा चढ़ा करके पेश ही नहीं किया जा सकता है, जिस काम पर दिन रात ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाई जाए, वो कोई काम थोड़ी होता है। हमारे मंत्री तो हरी झंडी देने में लगे रहते हैं, फिर भले ही आगे चल करके लोगों का टाइम खराब हो, काम खराब हो, या फिर वो मर ही क्यों ना जाए, इस देश के नेताओं को इससे फर्क नहीं पड़ता है। साल 2000 से 2015 के बीच भारत में नई पैसेंजर ट्रेनों की संख्या 8,000 से
13,000 हो गई थी। मालगाड़ी की संख्या में भी 59% की रफ्तार से तेजी आई थी, लेकिन ट्रैक्स को उस गति से नहीं बढ़ाया गया। और ये सबसे बड़ा कारण है कि भारत में 40% ट्रैक्स अपनी कैपेसिटी से ज्यादा यूज हो चुके हैं। भारत में हर साल 4500 किलोमीटर ट्रैक्स को अपग्रेड करने की जरूरत है, लेकिन इसके आसपास भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। इतनी ज्यादा ट्रेन चलाने के लिए उनको कई बार रोकना पड़ता है, स्पीड कम करनी पड़ती है, इसलिए भारत में ट्रेन डिले हो जाती है, कभी चली नहीं पाती है, और चलती है तो दो ट्रेन एक ही रेलवे ट्रैक पर धड़ाम से मिलती है, जिससे बड़े बड़े हादसे और बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिसकी कहानियां हमारे साल सुनते ही रहते हैं। इंडियन रेलवे के जनरल डिब्बों के बदतर हालात के बारे में मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि हम में से हर किसी ने कभी न कभी उस बेतहाशा भीड़ के बीच गंदगी में रहते हुए ट्रेवल जरूर किया है। और इस यात्रा में कभी न कभी एक मौका ऐसा जरूर आता है जब हम अपने देश के सिस्टम को और अपने नेताओं को इस खराब हालात के लिए गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। इससे एक बार मन को शांति तो मिल जाती है, लेकिन कुछ भी सही नहीं होता, क्योंकि रेलवे को बेहतर बनाए रखना अकेले नेताओं के लिए इम्पॉसिबल है। ये हम सभी की जिम्मेदारी है, और इसे अच्छा बनाए रखना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम और आप जैसे लोग भी अपनी जिम्मेदारी और फर्ज को निभाएंगे। अगर आपने कभी किसी पैसेंजर ट्रेन में ट्रेवल किया है तो दीवारों और ट्रेन के डिब्बों पर बनी कलाकारी तो जरूर देखी होगी, जो ऐसे ही फ्री में इस देश के लोग बना करके चले जाते हैं। लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि इस कलाकारी को साफ करने में हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपए इंडियन रेलवे को खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा ट्रेन के डिब्बों में टॉयलेट्स और बाकी जगहों पर कहीं भी कुछ भी फेंकाने की आदत भी लोगों में हमेशा से रही है। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको बिना टिकट यात्रा करने में एक तरह का किक मिलता है। हर साल भारत में 2 से 5 लाख लोग पकड़े जाते हैं जो गलत तरीके से बिना टिकट यात्रा करते हैं, और ये सिर्फ उन लोगों का नंबर है जो पकड़े जाते हैं, बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बच जाते हैं, और इससे रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। भारत में अलग अलग रेलवे जोन के बीच अनहेल्दी राइवलरी भी एक बड़ा कारण है, जिससे सेक्टर को हर साल बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि जहां पर दो जोन की ट्रेन इंटरचेंज होती है, वहां पर एक जोन दूसरे जोन की ट्रेन को जानबूझ करके रुकवाता है, देरी करवाता है, जिससे उसकी पंक्चुअलिटी और स्पीड पर कोई फर्क न पड़े। साल 1956 में जब अगस्त के महीने में एक रेल हादसे में 112 लोगों की मौत हो गई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपना इस्तीफा नेहरू को सौंप दिया था। हालांकि पंडित नेहरू ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। 3 महीने बाद एक और रेल हादसा हुआ, और उस हादसे की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, और इसके लिए पंडित नेहरू को कन्विंस भी कर लिया था। इसके बहुत साल बाद नीतीश कुमार ने भी एक रेल हादसे के बाद पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब हमारे पास ऐसे मंत्रियों की संख्या बहुत कम हो गई। देश के पूरे माहौल में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें कोई भी किसी भी गलती के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानने से घबराता है। अरे बात जितनी राजनेताओं पर फिट बैठती है, उतनी ही आज के आम लोगों पर भी फिट बैठती है, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां उनकी भी हैं। और अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझना शुरू कर दें, तो हमें साल दर साल जो हादसों की खबरें मिलती हैं, करप्शन की खबरें मिलती हैं, चोरी की खबरें मिलती हैं, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। 17 जून को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से हिट किया था, जिसमें लगभग 10 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह सब मैन एंड मशीन एरर की वजह से हुआ था, और ऐसी घटनाएं भारत में कोई भी बड़ी बात नहीं रह गई। साल 2023 में उड़ीसा में कोरोमंडल रेल हादसा इस दशक के सबसे बड़े रेल हादसों में से एक रहा है, जिसमें 300 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले 10 सालों में भारत के अलग अलग राज्यों में 600 से ज्यादा छोटे बड़े रेल हादसे हुए हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हुई और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन कोई भी मंत्री ने जिम्मेदारी लेने की जहमत नहीं उठाई, और न ही किसी मंत्री में इस्तीफा देने की हिम्मत हुई, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को किसी भी नुकसान से फर्क नहीं पड़ता है। रेल हादसे होते हैं, मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं और 10-15 लाख बांट करके पल्ला झाड़ करके चले जाते हैं। भारत में आम लोगों से लेकर राजनेताओं और सरकार को इंडियन रेलवे को सुधारने के लिए बहुत जरूरी और बहुत जल्दी बहुत कुछ करने की जरूरत है। यात्रा करने वाले लोगों को खुद की आदतें बदलनी होगी। नेताओं को प्रॉफिट से पीपल फ्रेंडली बनना होगा। किसी एक व्यक्ति को या किसी एक पार्टी को कोसने से, गालियां देने से ये सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि इस दिशा में काम नहीं हो रहा है। पिछले कुछ सालों में रेलवे को अलॉट होने वाला बजट बढ़ाया गया है। पिछली बार 2.5 लाख करोड़ रुपए रेलवे को अलॉट किए गए थे, जिसका 57% हिस्सा नए ट्रैक्स बनाने और एग्जिस्टिंग ट्रैक्स को बेहतर बनाने में प्रयोग होने वाला है। साल 2030 तक रेलवे में अलग अलग तरह की 10 से ज्यादा प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसको बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। और इसके अलावा एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी काम चल रहा है, जिसे मालगाड़ियों के जरिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम आसान होने वाला है। रेल हादसों को रोकने के लिए साल 2012 से ही कवच सिस्टम पर काम चल रहा है, और अब इस सिस्टम को हर जगह इंस्टॉल किया जा रहा है, जिससे सिंगल एरर की वजह से होने वाली रेल दुर्घटनाओं की संख्या बहुत कम हो जाएगी। और इससे अगर दो ट्रेन एक ट्रैक पर आ जाती है, उस स्थिति में हादसे को रोका जा सकता है। भारत में बहुत जल्दी सभी ट्रेन को इलेक्ट्रिक और मॉडर्नाइज बनाने पर काम चल रहा है, जिससे कोयले की खपत पर भार कम हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है और भारत में सभी ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती हैं, तो भारत हर साल 30,000 करोड़ रुपए तक बचा सकता है। इसके अलावा हमने देखा है कि स्वच्छ भारत अभियान के शुरू होने के बाद रेलवे स्टेशन पर गंदगी कम हुई, लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई है, जिसे बनाए रखना जरूरी है। इंडियन रेलवे में पहले भी बहुत सारे अच्छे बदलाव हुए हैं, और बहुत से बदलाव अब भी हो रहे हैं, और कुछ बदलाव और भी हैं जिन पर अगर बड़े स्तर पर काम होना शुरू हो जाए, तो फिर करप्शन, भीड़भाड़ और चोरी को कम किया जा सकता है। हाल ही में जब पश्चिम बंगाल में रेल हादसा हुआ, तो ये खबर भी आई थी कि कुछ लोगों ने अपना त्योहार और कामकाज की व्यस्तता को छोड़ करके जख्मी
हुए लोगों को बचाने का प्रयास किया, उन्हें सही जगह पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। तो इससे पता चलता है कि लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग और एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इंडियन रेलवे को टिकट का सिस्टम भी पूरी तरह से मॉडर्नाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रेलवे स्टेशन पर कितने लोग एंटर कर सकते हैं, इस पर भी नियम कानून बनाना बहुत जरूरी है। जो लोग रेलवे स्टेशन के अंदर आते हैं उनको मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम की मदद से चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना सामान अपने साथ ला सकता है और क्या कुछ ला सकता है, इस पर भी बात होनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम आशा करते हैं कि जिन बदलावों पर देश में रेलवे को बेहतर बनाने के लिए काम चल रहा है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा और उनसे एक पॉजिटिव चेंज हमें देखने को जरूर मिलेगा। और फिर भी हमें यह तय करना होगा कि हम भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का प्रयास करें, जिससे यह देश बेहतर बन सके। इस देश की खूबसूरती, स्पीड, प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव फर्क नहीं पड़े और हम आसानी से अपने बेहतरीन देश में बिना किसी डर के ट्रेवल कर सके। इस उम्मीद और भरोसे के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।